इन सब में जो सबसे अच्छा नूडल्स मुझे लगा है वो चिंग्स की तरफ से ये वाला नूडल है, हॉट गार्लिक इंस्टेंट नूडल। मैं इसको क्यों अच्छा बोल रही हूँ आप ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट में भी मैदा इस्तेमाल किया गया है, घटिया ऑयल इस्तेमाल किया गया है और नमक है, बाकी सारे जो फूड एडिटिव्स है वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है बस 2.3 ग्राम फैट है एक पैकेट में, जहां आप बाकी सब की बात करें तो किसी में 10 ग्राम है तो किसी में 15 ग्राम है, किसी में 18 ग्राम है, किसी में 20 ग्राम है, किसी में 24 ग्राम है, पर इसमें बस 2.3 ग्राम फैट मिलाया गया है जो बहुत ही कम है। साथ ही साथ अगर आप सैचुरेटेड फैट की बात करें तो 1.1 ग्राम है बस सैचुरेटेड फैट, और सोडियम की बात करें तो बस 233 मिलीग्राम इसमें सोडियम की मात्रा है, जो बहुत ही ज़्यादा परमिसेबल है। अगर आप इस चिंग्स नूडल को थोड़ा सा वेजिटेबल्स के साथ या थोड़ा सा साइड में सैलेड के साथ खा लें या फिर मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ खा लें तो ऑफ कोर्स ये जो आपका मैदा का जो सिचुएशन है कि इसमें मैदा डाला हुआ है, अनहेल्दी है, पेट में चिपक सकता है, ये सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा वेजीज डालना ना भूलें इसमें। जितना आप वेजीज डालेंगे उतना ही ज़्यादा आप बच्चे के न्यूट्रिशन को बैलेंस करेंगे, तो इसलिए मैं इस चिंग्स नूडल को बेस्ट नूडल में डाल रही हूँ। लेकिन ये इतना ज़्यादा भी बेस्ट नहीं है, इसमें भी फूड एडिटिव्स मिलाए गए हैं, इसमें भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं। तो किसी भी चीज़ को ओवरडू मत कीजिए, आप कंट्रोल पोर्शन में खाएं। बच्चे को आप चिंग्स नूडल्स सपोज कीजिए कि आप हफ्ते में एक या दो बार दें, उससे ज़्यादा ना दें, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं।